वेट वेट राइट साइड में यार अबाउट द शो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब्स करने वालों के बारे में दिखाया गया कि बोरिंग होता है मंडेन जॉब होता है तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हीरो हैं वो कहानी के प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं और ये उनकी कहानी है एंड स्पेशली द पैशन इज नॉट द एंटागनिस्ट पैशन जो हमेशा लगता है कि 9 to 5 जॉब में है पैशन फॉलो करना है फ्रॉम तमाशा टू एवरीबॉडी वी हैव सीन बट इसमें ऐसा नहीं है द गाय हु इज वर्किंग ऑन आईटी फ्रॉम 9 to 5 जॉब ही वांट्स टू बी देयर ही वांट्स टू एक्सेल इन द सेम इंडस्ट्री ही मस्ट बी हैविंग सम टैलेंट बट हिज मेन पैशन इज टू बी अ गुड आईटी गाय या सो आपने उनकी लाइफ एक्सपीरियंस की है आपने क्या फील किया थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं उनकी लाइफ नो मैंने तो आईटी कभी मैं बैकग्राउंड ही मेरा अलग है मैं मास कॉम बैकग्राउंड से हूँ तो कभी कॉर्पोरेट में काम ही नहीं किया मैंने सो ऑब्वियसली एज अ कैरेक्टर रेफरेंसेस थे और रिसर्च ही थी क्योंकि हमने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट थोड़ा सा डिफरेंट था तो क्या बट हाँ एज कैरेक्टर्स आई थिंक कहीं पे भी लोग साथ में काम करते हैं तो वो एक सिर्फ आप काम की बातें नहीं करते हो आप फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं यू एंड अप शेयरिंग मोर देन योर पेरेंट्स एंड ऑल बिकॉज वी लाइक स्पेशली वी पीपल वी स्टे अवे फ्रॉम आर होम एंड मोर ऑर लेस योर कुलीग्स एंड अप बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली तो द शो ऑल्सो कैप्चर्स नॉट जस्ट देम वर्किंग बट ऑल्सो वो लाइटर मोमेंट्स वर्किंग ऑन द फर्स्ट वीकेंड इन ऑफिस एंड जब पहला साथ में एक लॉन्ग वीकेंड आता है और काम करने के लिए ऑफिस बुला लेते हैं तो क्या केमिस्ट्री होती है क्या डायनामिक्स होती है अदरवाइज काइंड ऑफ जो यस सो सो द शो इज अबाउट 9 to 5 जॉब एंड द गाय हु इज लविंग इट ही नेवर हेट्स दैट जॉब या सो ही ऑलवेज वांटेड टू पैशनेटली डू द 9 to 5 जॉब एंड उसी के एक्सपीरियंसेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आप हमें मिलेंगे एंड या प्रीटी मच द शो इज अबाउट दैट नर्वस मैं तो नर्वस नहीं होता हूँ क्योंकि पता होता है कैसा काम किया है तो इट्स नॉट अ टेस्ट यू नो तुमने क्या किया है जब शूट करो तो तभी पता होता है कि तुमने अच्छा किया है बुरा किया सो नर्वस होने का कोई पॉइंट ही नहीं है जो है पता है सो दैट्स नॉट द इशू मैं एक्साइटेड हूँ यार बहुत ज़्यादा हमने आई थिंक अमित गोलानी हु इज द को फाउंडर एट द वायरल फीवर ही इज द बिग क्रिएटर एंड हमारा जूनियर डेवलपर आ गया है लेट लेट का प्रजापति पीयूष प्रताप अभिषेक चौहान प्रजापति माय कैरेक्टर्स नेम इज पीयूष प्रजापति और जैसा बताया ये वो 22 ईयर ओल्ड यंग बंदा है जो अभी कॉलेज वगैरह ख़त्म करके आया है और एक नई आईटी फर्म में काम करना चाह रहा है तो उसके सारे एक्सपीरियंसेस हैं कैसे वो एक नई दुनिया में आता है और उसके लिए कितनी नई चीज़ें होती है फॉर द फर्स्ट टाइम एक आइडिया होता है दिमाग में कि यार ऐसा होगा मेरा ड्रीम जॉब फॉर पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट वर्किंग उनका होता है मेरा ड्रीम जॉब ऐसा होगा ये मिलेगा वो मिलेगा बट क्या नई चीज़ें उसे वहाँ आके फर्स्ट टाइम मिलती है क्या उसके चारों तरफ होता है और वर्किंग वॉज सो मच फन क्योंकि ये गौतम गंभीर है इसका कैरेक्टर गौतम गंभीर है इसका नाम जो है वो आप देखोगे सर में आएगा बट अभी इसका नाम गौतम गंभीर समझ रहे इनके बेटर आप अभी आ रहे हैं मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पहली बार मैंने कुछ ऐसा कैमरा पे भी काम किया था और शूट भी जो है वो कब टाइम कब ख़त्म हो गया उसका वो भी पता नहीं चला तो बट काफ़ी कुछ सीखा भी बिकॉज ऑलरेडी ये लोग काफ़ी काम कर चुके थे और मेरा पहली बार ही था तो काफ़ी अच्छा यार कल शो रिलीज़ हो रहा है 10th of December को इट्स अ वीकली शो तो हर हफ्ते एक एक एपिसोड आएगा टोटली 5 एपिसोड हैं यूट्यूब और TVF प्ले पे और जैसा कि हम बात कर रहे थे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं शो को लेकर नर्वस नहीं है उतने बिकॉज बहुत ही अमेजिंग क्रिएटर्स ने ये शो बनाया है अमित गोलानी इज़ द राइटर ऑफ द शो चैतन्य कुमकोरन हैज़ डायरेक्टेड द शो बहुत ही फैबुलस टीम है तो हमारा तो होम ग्राउंड है आई थिंक आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग नर्वस हैं एक्साइटेड है क्या फील कर रहे हैं तो होना ही चाहिए
बट एक्साइटेड है. थैंक यू. थैंक्स सर. थैंक यू. चलिए जी. बहुत अच्छा लगा है. आई थिंक टी वी एस जो भी क्रिएट करता है वो कंटेंट वाइज प्रोडक्शन वैल्यू वाइज बहुत अमेजिंग होता है. इवन मैं भी बहुत जगह पार्ट रहा हूँ टी वी एफ का, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी क्या होने वाला है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. यार जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं यू नो एक जॉब की लाइफ में, जो आप जॉब करते हैं आजकल के जो यूथ है वो जॉब कर रहा है और क्या क्यूबिकल्स में अपनी एक लाइफ है अंदर ही अंदर, कैसे कौन किसी का भला चाहता है, कौन किसी का दुश्मन है. सो आई थिंक ये सब देखने को मिलेगा जो जो मुझे समझ आया अभी तक. बाकी देख के पता चलेगा क्या है एग्जैक्टली. यार बहुत बहुत सारे दोस्त हैं. मुझे लगता है अगर मैं शायद एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो कहीं पार्ट टाइम जॉब ही कर रहा होता कहीं ना कहीं. और जो फ्रेंड्स मेरे जॉब कर रहे हैं कहीं खुश हैं, कहीं कोई खुश नहीं है. और किसी को सैलरी से प्रॉब्लम है, किसी को अपने एचआर से प्रॉब्लम है, किसी को अपने बॉस से प्रॉब्लम है. आई थिंक प्रॉब्लम्स तो होती हैं हर लाइफ में, डिफ़िकल्टी है, कंपटीशन बहुत है. तो यार चलो थैंक यू. हाँ जी ओके राइट. यार आई थिंक एक चीज़ नहीं है, इट्स अबाउट यार एक अब फुकरे एक फैमिली है, इट्स अ फ्रेंचाइज नाउ. और दो साल अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं कल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. ये हाउस होल्ड फिल्म बन गई है तो बहुत मज़ा आता है लोगों को देखने में. अभी भी मुझे यू नो स्क्रीन शॉट्स आते हैं और सीन्स बहुत ऐसी बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं. एक तो मतलब बहुत सारे हैं, मुझे ऐसा याद भी नहीं है. पर आई होप जो मेन मुद्दा है कि नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है, आई होप नेक्स्ट ईयर जल्दी से अनाउंस करें और जल्दी से हम शूट करें. थैंक यू. ओके शॉप. हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे ना सुनने मिलता है कि भाई ऑफिस में आज ऐसा हुआ, ऑफिस में वैसा हुआ. नाउ आई बीइंग एन एक्टर कांट रिलेट टू दैट बिकॉज हमारी लाइफ तो अलग होती है. सो इट्स गोना बी फन टू एक्चुअली सी इट भाई ऐसा होता है. एंड देन सिंस चैटी इज द डायरेक्टर आई वुड लव टू वॉच इट बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड इसमें से जो कास्ट है उसमें कुछ हमारे दोस्त भी हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. I would say it's great because I love being a part of it. I always look forward to the shoots that I'm in. So yeah, it's lovely. There are a few things that I really can't reveal right now, but there's going to be a blast soon. For me, first it has to be the character that I'm supposed to be playing. It should be something that's challenging for me, something that, you know, I know that I can definitely create and something that I can, you know, not if not relate with, but at least understand. And the team, of course, is very important for me because you shoot for so many days. You need to make sure ki, you know, ek rapport build ho jaye. So that's really important. And of course, the script. Thank you.